सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 9 अक्टूबर को संत जॉन लियोनार्डी का पर्व मनाती है। उनका जन्म इटली में हुआ था। वे लूका में औषधीय सहायक बने और 31 साल की उम्र में वे पुरोहित बने। उन्होंने अपना प्रेरिताई वाला जीवन अस्पतालों और बंदीगृहों से आरंभ किया था। जहां वे सुसमाचार प्रचार करते थे, वहां वे लोगों के पाप स्वीकार भी सुनते थे। संत लियोनार्डी अपने समय में कुछ सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने क्लर्क रेगुलर ऑफ द मदर ऑफ गॉड नामक संस्था भी शुरू की थी। कुछ लोगों के समूह जॉन की पवित्रता को देखकर इस संस्था में शामिल भी हुए। संत जॉन लियोनार्डी ने संत फिलिप नेरी और संत जोसेफ क्लासन्स के साथ गहरी मित्रता विकसित कर ली थी। संत जॉन लियोनार्डी ने अपना पूरा जीवन प्रभु के सुसमाचार के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन प्रार्थनामय और पवित्रता से भरपूर था। उन्होंने रोमन कॉलेज ऑफ द प्रोपेगांडा फिडे की भी स्थापना की, जो कि मिशनरी पुरोहितों के दार्शनिक और धार्मिक प्रशिक्षण के लिए था। रोम में उनकी एक खास पहचान थी। संत पिता लियो 13वें ने उनका नाम रोमन मार्टियोलॉजी में भी दर्ज किया। गरीबों की सेवा करते करते इन्फ्लुएंजा के कारण जॉन लियोनार्डी की मृत्यु हो गई और सन 1938 में उन्हें संत घोषित किया गया। तो आइए आज हम भी संत जॉन लियोनार्डी के माध्यम से प्रार्थना करते हुए उनके जैसी पवित्रता, कोमलता और सेवा करने का जज्बा मांगे कि हम भी प्रभु के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ कर सकें।